गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये है मेरा किचन जो सुबह सुबह अभी मैंने क्लीन किया है। ऐसे बहुत अच्छा लगता है, क्लीन किचन हमेशा अच्छा लगता है। रात को भी थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, पर सुबह में जब पानी आता है तो अच्छे से क्लीन होता है। ये कपड़ा सूख रहा है, सारे कपड़े सूख रहे हैं। कपड़े का स्टैंड मैंने यहीं रखा है क्योंकि यहाँ से अच्छे से धूप आ रही है ना, धूप आती है हमेशा, तो यहाँ पर कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। ये बर्तन का स्टैंड है और यहाँ पे स्टोरेज है पानी के लिए, क्योंकि पानी नहीं आता है ना हमारे यहाँ। ये दो स्टोरेज रखा हुआ है, दो कलसी, दो टाकी है, एक हंडा है, दो कलसी है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ऐसा क्लीन किचन। डीप क्लीनिंग करना बाकी है, डीप क्लीनिंग बाद में करूँगी। वो मैंने कुकर भी भर के रख दिया है क्योंकि लवली को बहुत पसंद है ऐसे भर के रख देना। सब बर्तन भरा रहेगा तो उसको बहुत पसंद आता है। आयुष्मान स्कूल जा चुका है, मैं जा रही हूँ, थोड़ा फ्रेश होंगी फिर आके ना चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद में चाय वाय पियेंगे। ये यहाँ पर चाय बन रही है मेरी, और यही एक चीज़ बहुत गंदी लगती है कि जैसे जरा सा भी नज़र हटता है ना, तुरंत यहाँ पर चाय गिर जाती है। बहुत हमेशा परेशान हो जाती हूँ इससे, हमेशा मुझे इसको साफ करके रहना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। चाय रेडी हो चुकी है और मैं चाय निकाल, तो अभी चाय निकाल के लवली को दूंगी पहले, क्योंकि लवली जा रही है कॉलेज और आज मुझे जाना पड़ेगा आयुष्मान को लाने के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही है। तो चलते हैं चाय लेके। चाय पी रहे लवली? फोन पे बात कर रही है, कंटारा आएगा बट लेकिन पहुंचेंगे ना वैसे भी। कॉलेज जाने के लिए अपनी फ्रेंड को कॉल किया, छोटी ट्रेन से जाते थे। ट्रेन से नहीं, बस से ही जाओ, बस से इजी पड़ेगा ना। अजय बस से कितना दूर है? गोरेगा बस मलाड़ के बाद। अरे कॉलेज कितना दूर है? कॉलेज पे ही उतारेगा, पार्टनर बोलेंगे उतार देगा ना कॉलेज पे ही। हो रही है रिमझिम रिमझिम बारिश, यहाँ पर पी रही है लवली चाय, गर्मा गर्म चाय, मस्त है। अरे वाह, अच्छा है। और अब मैं भी पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय, और पीछे सूख रहे हैं वो कपड़े जो मैंने कल रस्सी ला के बांधे हैं वहाँ पर। रात को भूत जैसे लग रहे थे, ये भूत ऊपर से आ रहे हैं। भूत ऊपर से आते हैं तो नीचे से आते हैं? पता नहीं कहाँ से आते हैं, मैंने तो घर में कहाँ है। और सच्ची बोलूँ, कल पता है इधर है ना, ये लोग सब गाना वाना बजा रहे थे ना, तो मैं आप भी आई ना जैसी करी ना, मैं अंदर का दरवाजा खोली ना, जैसे खोल रही थी तो खोलने के बाद ना धक्का दी थोड़ा सा, चलो किसने रोक लिया अंदर से, सच में भूत है। और फिर ना चले कोई धीमा धीमा गाना गाता है ना लड़का, वैसा लगा। फिर मैं डर गई, तो जोर से एकदम ऐसे कर दिया, बोला जो भी बाहर गिर जाएगा। फिर देखो उधर चेयर वेयर रखा हुआ, चेयर सब कपड़े ऐसे रखे हुआ कि कोई बैठा हुआ उधर तीन जन। फिर लाइट ऑन की, फिर देखिए कोई नहीं है। फिर इधर आई तो फिर पता चला कि यहाँ का म्यूजिक वहाँ पे एको हो रहा था, यहाँ पे लोग जो गाना बजा रहे थे उसका, तो वैसे कोई धीमा धीमा बैठ के गा रहा है। और मैं इतनी डर गई कि मैंने जोर से कर दिया। मुझे पता नहीं है अपने घर में भूत है। मालूम है कौन सा भूत है? आयुष्मान और डॉली। तू अपना नाम क्यों नहीं ले रही है? मैं अच्छा बाय रुको, लेके आती हूँ, लेके आती हूँ। बाय बाय बाय। ये मेरे पौधे, प्यारे प्यारे पौधे। ये मेरा सम्मी का पौधा, प्यारा प्यारा सम्मी। और ये है सूरन का पौधा, और ये है अरवी का पत्ता। आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, ये तो मैंने बहुत बार दिखाया है, पर अभी बारिश हुई है ना तो कितना सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर बारिश की बूंदें, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई हीरा है, हीरा चमक रहा है। ये देखो इसके ऊपर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, इस पर नहीं पड़ा है, बारिश की बूंदें ठहरती नहीं है। देखो उड़ रही है कैसे। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज लवली गई है कॉलेज के लिए, जैसे कि मैंने सुबह बताया आप लोगों को। गिल्ला हो गया था ना, मेरे पते में पहुँच गया। बच्चे लगना देख लेनी तो फिर लोग बार बार पूछते रहेंगे, कोई नहीं है। आप तो अभी वो गई हुई है कॉलेज के लिए। एक्चुअली उसका कॉलेज का फॉर्म ऑनलाइन भरा नहीं गया, तो अभी ऑफलाइन गई है देखने के लिए। और अभी मैं मुझे जाना पड़ेगा आयुष्मान को स्कूल से लाने के लिए, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ।
थोड़ी देर में निकलती हूँ। आज मेरे को लेकर आती, बारिश हो रहा है और छतरी लेके गई है लवली, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा भीगते हुए। देखती हूँ एक छतरी और है, पर छतरी टूट गई थोड़ी सी। मुझे लेना था और छतरी, पर मैंने एक ही छतरी ले लिया, एक छतरी मुझे महंगी पड़ गई दूसरा छतरी लिया नहीं इसलिए मैंने। तो अभी जा रही हूँ आयुष्मान को लाने, रेडी हो चुकी हूँ, पर्स वर्स ले लिया है। लवली का कॉल भी आ गया है कि मम्मी जल्दी जाओ, वो हमारी मम्मी है ना, इसको लगता है कि मैं नहीं जा रही होंगी। तो चलिए चलते हैं, जा रही, बाय बाय। तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर, और ये लीजिए गणपति बप्पा और माता रानी के दर्शन कीजिए सब लोग। आ गई हूँ मैं बाहर, बारिश हो रही है, छतरी लगा ली, छतरी थोड़ी सी टूटी हुई है, पर अभी काम तो आ रही है ना। और ये रोड तो कितना बढ़िया लग रहा है, सब कुछ साफ सुथरा, धुला धुला, देखो बारिश हो रही है, हवा भी चल रहा है, बाप रे ये छतरी तो उड़ जाएगी पर हवा चल रहा है, और इस छतरी में तो कुछ बच ही नहीं रहा है, बारिश आ ही रहा है और मैं भीग रही नीचे से, छतरी भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ये इसकी तीलियाँ सब टूट गई है, पर अब यही लेके आना पड़ा है, फ़ोन भी कहीं भीग ना जाए। बारिश हो रही है ज़ोर से, तो डर लग रहा है कि फ़ोन भीग जाएगा, क्योंकि ये छतरी है ना, ये छतरी गल रही है तभी मैं फ़ोन को रखी हूँ जेब में, और फिर जब बारिश थोड़ी थमेगी आयुष्मान को ले लूँगी, उसके बाद वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं स्कूल में पहुँच चुकी हूँ, अभी छूटा नहीं है, ये है ना, ये वाले है ना, साथ में छुट्टी के सब लोग। तो हम लोग आ गए छुट्टी के साथ, लेना है 2.5 किलोमीटर से आना पड़ता है। तो आयुष्मान का बैग इतना भारी है, तो मैं उसको बोल रही हूँ बैग भारी लग रहा है, तो आयुष्मान बोल रहा है क्या आप इतनी गट्टी गट्टी हो, और मुझे देखो मैं इतना सपड़ा वोम्बे लूँ फिर भी मैं उठा के लेके जाता हूँ, आपको क्यों भारी लग रहा है। हाँ गाड़ी आ रही है, कितना सीढ़ी है, कितना सीढ़ी है, कितना है, 100 कुछ भी, काउंट काउंट किया क्या तूने? और इतनी बारिश हो रही है उसके बावजूद भी मुझे पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है, छतरी में गर्मी लग रही है, बोल छतरी में गर्मी लग रही है, बारिश में भी मुझे पसीना हो रहा है, देख तो आज की ब्रेकिंग न्यूज हमें पता चला है कि आंटी को बारिश के मौसम में आंटी को लग रहा है गर्मी आती है, क्या बोला आंटी होगी तेरी माँ, देखो 100 गाइस हम लोग अभी पहुंचे हैं, किधर पहुंचे हैं, पेप्सी ग्राउंड के पास पहुंच गए हैं, पेप्सी ग्राउंड के पास पहुंच रहे हैं। और ये देखो ये रास्ता मुझे पता है, इसीलिए अगर मैं कभी यहाँ पे गई हूँ तो मैं सीधा पेप्सी ग्राउंड की पत्नी गली को लेके खिसक जाऊँगा। बचता यार अगर ये गाड़ी थोड़ी सी फास्ट होती ना, पकड़े एक लड़के, यहाँ आयुष्मान और उसकी मम्मी चल रहे हैं, आयुष्मान मेरे हाथ से फोन खींचने की कोशिश कर रहा है, इसका स्टॉप कर रहा है वीडियो बनाने का, उसको बनाना है। और हम लोग आ गए हैं पेप्सी ग्राउंड के अंदर, और ये बच्चे यहाँ पर झूला झूलते हैं, खेलते हैं, एक ही बच्चा मम्मा, अरे अभी एक ही है ना, बाद में तो ज़्यादा आते हैं, देखो ग्राउंड में घास भी उग गए, पानी भी भर गए, ऐसा लग रहा है कि कोई तालाब है ना, देखो फोन में देखना मस्त लग रहा है, लग रहा है कोई तालाब है मम्मा, ये तो मुझे खेत लग रहा है खेत, हाँ खेत लग रहा है, धान का खेत लग रहा है, वाह किसका, अच्छा आयुष्मान अभी मस्तियाँ करते हुए जा रहे हैं, और इसमें चावल उगते हैं, तो उसी को धान बोलते हैं, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, और ये है ग्रीनरी, हरे हरे पत्ते पेड़ है बड़े बड़े, अगर मैं बोल दिया ना, हरे हरे अगर और पत्तों पे से पानी बरसता हुआ, ग्रीन 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 रिवर, कुछ साफ सुथरा धुला है, आइसक्रीम देखो आइसक्रीम है ना, वो डस्टबिन है अम्मा यार क्यों बता दियो, अच्छा तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्या, वो देखो मेंढक जो ना मुंह खोला बड़ा है, मुंह मत खोल मुझे मक्खी घुस जाएगी, और वो देखो जिम, जिम एरिया, एरिया एरिया नहीं होता मम्मा, एरिया होता है एरिया, हाँ वही जो भी होता हो, बाप रे तू मुझे क्यों करेक्ट कर रहा है,
क्योंकि मैं आपको इनकरेक्ट नहीं देख सकता। अच्छा अच्छा, और खुद को भी नहीं। तो अभी हम लोग पेप्सी ग्राउंड से जा रहे हैं, हमने इसको रास्ता बना लिया है अपना। सिटी रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, और आयुष्मान और डॉली लवली नहीं चाहते कि मैं रोड पर से जाऊँ, कहीं कुछ हो गया तो। लवली तो हमेशा चिल्लाती रहती है तो रोड पर वीडियो मत बनाया करो, अकेले रहो तो। और साथ में भी रहते हैं ये लोग, मुझे खींचते रहते हैं पीछे आओ पीछे आओ। और बैग इतना भारी लग रहा है कि मैं छतरी और बैग पकड़ के थक गई हूँ पूरे, मुझे पसीने के देखो चमक रहा है ना, पसीना हो गया पूरा। इतनी थक जाती हूँ रे मैं। आयुष्मान क्या, मैं कितनी थक जा रही हूँ, क्यों थक रही हूँ इतनी? मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। छतरी पकड़ो फिर पता चल जाएगा बात को कौन बदल रहा है। बच्चा सब कुछ हाथ में पकड़ के रखता है, थकूंगी ना। ये लो इतनी वाली। अभी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, थोड़ा सा छतरी पकड़ना पड़ा उसको, तो सारी बड़ी बड़ी बातें निकल गई। हाथ दुख रहा, हाथ दुख रहा कर रहा है। तू लेके गिर रहा था तो छतरा खींचना ही पड़ेगा। अभी पहुँच गए घर पे, बिल्डिंग के नीचे पहुँच गए, घर पे पहुँचने बाकी। अभी जा रही हूँ, लाइट नहीं है इसलिए धक्का नहीं दिखा सकती। पहुँच गई घर पे, इतना हैवी, कितनी थकी, बाप रे पूरा अचानक चढ़ गया, हालत खराब हो गई। और मेरा शोल्डर लाल हो गया है, बैग इतना हैवी है ना बच्चों का, बाप रे। मेरा बच्चा वैसे ही दुबला पतला है और इतना हैवी बैग लेके स्कूल पर चलना पड़ता है। नाली पानी लेके आ बेटू, फोन को लग रहा है कुछ हो गया रे, इसका लाइट कम ज़्यादा दिख रहा है। खोल के दे। अरे बॉटल है, मैं तो आ गई आयुष्मान को लेके, अभी तक लवली आई नहीं है, उसका कॉल भी नहीं आया है, क्या हुआ कॉलेज में पता भी नहीं चल रहा है। तभी मैं उसको कॉल करके देखती हूँ, क्योंकि आयुष्मान को पहले खाना वाना खिलाती हूँ फिर लवली को कॉल करती हूँ। काम चला और फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। और ये देखो सामने के फ्लैट में बैठ के ये लोग, खिड़की में बैठ के ये लोग भी अपना चाय वाय इंजॉय कर रहे हैं, लग रहा है बातें शाते कर रहे हैं। ये जूम करके दिखा रही हूँ मैं, सामने जाके खिड़की पे जाके नहीं निकाल सकती। वनराज इज बैक, लवली आ गई। बारिश हो रही है ना तो बारिश के मजे ले रहे हैं सब लोग, चाय पकौड़ा खा खा के। कॉफी बनाओ, पकौड़ा खाना है बेटा। हाँ, पहले बताओ कॉलेज में क्या क्या हुआ। अरे आज दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, भगवान बरस ही जा रहे हैं, मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। किचन की गैलरी दिख रही है, किचन की खिड़की दिख रही है, थोड़ी बड़ी है ना, उसे यहाँ से दिख रही है। और ये बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है, इसमें बारिश हो रही थी। अभी सब लोग सो गए थे, आयुष्मान अभी तक सोया हुआ है, अभी सो गए थे। देखती हूँ थोड़ा कुछ काम वाम कर लेते हैं, टेंशन में नींद आ जाती है। लवली ने आके बताया कि एडमिशन हो नहीं रहा है, परेशान कर रहे थे कॉलेज वाले लोग बच्चों को, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे चलती लवली को उठाती हूँ, बना भी उठती हूँ, कुछ काम धाम करते होंगे, टेंशन लेके बैठने से कुछ होगा नहीं। फिर से जाएंगे कॉलेज में, देखेंगे क्या होता है। बच्चे लोग को परेशान करना कॉलेज वाले लोग का काम है। बारिश हो रही है ना, बहुत आ रही है, लाइट भी ऑफ रखा है मैंने, क्योंकि आयुष्मान को सोने के लिए अंधेरा चाहिए रहता है। आई फिर भी मच्छर भी आ रहे हैं घर में, खिड़की खुली है ना, हल्की हल्की बारिश होती रहती है, बारिश वैसे जोरदार हो रही है, हल्की हल्की नहीं हो रही है, पर ऐसा अच्छा लग रहा है। नींद बहुत आ रही है, अरे आयुष्मान को कितना पसीना हो गया है, चमक रहा है, सब पसीना है। बारिश हो रही है इसकी वजह से मैंने फ़ैन लगाया नहीं है, पसीने से भर गया है मेरा बच्चा। मैं तो जाती थोड़ा फ्रेश होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हिंदू के घर पर जाएंगे, थोड़ा वहाँ से थोड़ा घूम के आएंगे, फिर कंटाला रहता है घर में बैठ बैठ के दिन भर, थोड़ा सा घूम के आते हैं, कुछ काम भी है कॉलेज का डाली लगी के, वो भी करके आते हैं। चलो चलते हैं, चलो बेटू हाँ ठीक है, चलो। बारिश हो रही है, छतरी ले लो बेटू, छतरी ले लो, बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज़ी से हो रहा है, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज वेदर रिपोर्ट में बताया गया था
कि नहीं बताया गया था कि दिन भर बारिश होने वाली है? मैंने नहीं देखा वेदर रिपोर्ट। फोन बचाना है, फोन नहीं खराब हो गया और तो मिलेगी नहीं इतनी बारिश में। मिलेगी मिलेगी, और तो एक भी नहीं है। नहीं है और तो हमें ऑटो मिल गई है, हम ऑटो में जा रहे हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का वेदर, बारिश भी हो रही है। बिंदु के घर पे जाऊँगी तो जो मेन कुछ रहेगा तो ये शूट करूँगी, सब कुछ नहीं। बिंदु पता नहीं क्या पकौड़ी शकौड़ी बना रही है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं है, मुझे जाना पड़ रहा है। तू खा ले तेरा पेट दुखे, आई तो मैं इसको बोल रही हूं कि खा के जाओ, लेकिन ये तुम्हारे को पता ही नहीं, इशारे ना करें, पेट दुखेगा। चलो मेरा पेट में सब्सक्राइब भी करो, फिर बनाएगी, फिर आप लोगों को दिखा देगा कि हम लोग खाएंगे। गाइस एक ऐसी फ्रेंड है मुझे अकेला छोड़ के जा रही है, यही रह जाती हूँ फिर बाद में पता चलेगा वो शैतान आ जाएगा। वीडियो देखते हैं अजय बच्चों से बार बार हार जा रहे हैं, इसलिए मुझसे खेलना चाहते हैं कैरम, ताकि मैं हार जाऊं और उनको जीतने की खुशी मिले। तो चलिए मैं खेलती हूँ, मुझे तो अच्छी तरह से आता नहीं है। चलो मेरा कौन सा रहेगा, ब्लैक या व्हाइट? ब्लैक की खुशी चाहिए। और ये मम्मी पापा खेल रहे हैं अकेले अकेले। अकेले अकेले नहीं, तुम लोग नहीं खेल रहे हो ना, इसलिए मुझे खेलना पड़ रहा है। तुम लोग याद है मेरे पास खेल के चीटिंग करते हैं पापा, चीटर है, नंबर 1 के चीटर है। ये देखो गाइस पापा भी चीटिंग करने वाले हैं। नहीं नहीं, अगर वहाँ पे गोटी है तो ठीक है, पर अगर यहाँ पे गोटी रहता था ना तो पापा ऐसे करके ऐसे ले लेते थे पूरा। मम्मी मार रही है, नहीं गया कोई बात नहीं। अजय इतना चीटिंग करते हैं, इतने नंबर 1 के चीटर हैं कि उन्होंने मुझे 2 बार हरा दिया है और मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं। 2 बार मुझे हरा दिए हैं, मुझे बहुत गुस्सा आया है, मैंने कैरम उठा के साइड में रख दिया है और खाना वाना खा लिया है। गुस्से में इतना अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। तो इसलिए अभी जा रही हूँ मैं सोने। आयुष्मान बोल रहा है आपको पहले से सब कुछ बेकार लगता है, तो अभी सोच रही हूँ कि आज की वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये भी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। आयुष्मान का स्कूल रहेगा, है ना आयुष्मान? स्कूल है ना सुबह? तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।